हेलो दोस्तों, एम क्लासेस पर आपका स्वागत है। अपने हम पिछली क्लास में हमने नंबर ऑफ जीरोस के बारे में कैसे निकालते हैं वो सीखा था। आज मैं कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में नहीं करवाया था, इस क्वेश्चन को मुझे करवाना था। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो कि पूरी रेगुलर सीरीज़ तो है लेकिन टुकड़े में है, तो यहाँ से आप किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आप वहाँ से एक क्वेश्चन नहीं करवाया था। मैंने कहा था कि मैं जब एमसीक्यू लेकर आऊँगा तब आपको ये सारे क्वेश्चन बाकी के जितने भी हैं वो कवर हो जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इससे पहले अगर आपने अगर क्लास नहीं देखी तो वो ज़रूर देखना। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखोगे आप तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आज हम कुछ पुराना रिवाइज़ कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या सिखाया है। रिवाइज़ करने से पहले बता दूँ मैं आपको कि आप अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे वहाँ से क्लास लाने का मन करता है। वरना अगर व्यूज़ की संख्या जब कम होने लग जाती है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन होता है। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि चाहे जितने भी व्यू आए, चाहे जितने भी पढ़ें, वो पूरा ही चैप्टर एक बार में समझ जाए। मेरा कोशिश ये रहती है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की। ठीक है, तो चलते हैं, आज कुछ पुराना रिवाइज कर लेते हैं। मैंने ये कहा था कि जब भी नंबर ऑफ जीरोस ट्रेलिंग जीरो मतलब पीछे जीरो कितने आ रहे हैं उनको फाइंड करने, तो हमेशा 5 और 2 का पेयर निकालना होता है। उसमें जो नंबर ऑफ टाइम्स कम आता है, जैसे अगर 2 7 times आया और 5 8 times आया, तो नंबर ऑफ टाइम्स 2 और 5 में से जो कम आया उतने मेरे पास जीरो हो जाए। कम वाला जो है मतलब 7 times मेरे पास 7 0 मेरे पास लास्ट में ट्रेडिंग जीरो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम थोड़ा सा उनको रिवाइज भी करने वाले। इसके अलावा मैंने सिखाया था कि किसी भी रेगुलर सीरीज में कितने किसी भी अंक को कितनी बार कोई अंक कितनी बार आया है वो कैसे फाइंड करते हैं। हमने नंबर ऑफ जीरोस निकालते समय 5 को कितनी बार आएगा ये फाइंड करना सीखा। इस क्वेश्चन में यही करना है, इसमें 5 कितनी बार आएगा, मतलब 1 से लेकर 500 तक की सीरीज़ है, एक रेगुलर सीरीज़ है, 1 2 3 4 इनका गुणा हो रहा है। तो सीधा सा कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, 500 को डिवाइड करना है पहले 5 से, क्योंकि मुझे 5 को फाइंड करना था। 5 से डिवाइड किया एक बार आया 100, फिर 100 को डिवाइड किया 5 से, यहाँ से आया 20, और फिर 20 को डिवाइड किया 5 से, यहाँ से आया 4। तब तक डिवाइड करना जब तक कि ये नंबर इस नंबर से छोटा ना आ जाए। अब छोटा आ गया इसलिए मैं लास्ट में जाकर प्लस कर लूँगा। यहाँ पर 124 5 होंगे, 5 124 times होंगे, कितनी बार होंगे, 124 times होंगे। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया हो। अब ये क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जब भी रेगुलर सीरीज होती है तो हम 5 को देखते हैं कि 5 कितने टाइम्स आ रहा है, बस वहीं से अपने जीरो निकल जाते हैं। तो ये रेगुलर सीरीज़ है, ये रेगुलर सीरीज़ नहीं है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये रेगुलर सीरीज़ नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेगुलर सीरीज़ नहीं है, 1 3 5 7, मतलब यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि कहीं से कहीं तक 87 तक 2 नहीं आ रहा है। सभी विषम संख्याएँ, तो 2 नहीं आ रहा है, तो 2 नहीं आ रहा है मतलब केवल इस पूरी सीरीज़ में 5 तो आएंगे, 2 नहीं आ रहा लेकिन 5 तो आ सकते हैं। ठीक है, तो 5 कितनी बार आएंगे ये देखो आप। सबसे पहले इसमें अगर 2 नहीं आ रहा तो 5 का गुणज, 5 मतलब कि 5 के गुणज में जहाँ जहाँ 2 का नंबर आ, जैसे कि 20 है, 20 में 2 आता है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब 5 का गुणज वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ऐसे देख सकता हूँ कि 5 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 नहीं आ पाएगा, 25 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 45 आएगा, 55 आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 5 के केवल वही मल्टीपल ले रहा हूँ जिसमें केवल 5 आता हूँ। ठीक है, 5 65 आएगा और यहाँ से 75 आएगा, और मुझे जाना कहाँ तक, 87 तक, मतलब 85 तक जाना है। ठीक है, यहाँ से 5 एक बार, यहाँ से 5 एक बार, यहाँ से 5 दो बार, यहाँ से 5 एक बार, यहाँ से एक बार, यहाँ से दो बार, नहीं सॉरी, यहाँ से भी एक बार, 11 5 55 होते हैं। ठीक है, और यहाँ से 5 एक बार, यहाँ से 5, देखो 25 75 होते हैं, आपको ध्यान हो तो 25 75 होते हैं, 25 में 2 बार 5 आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 5 बार और यहाँ से 1 बार 5 आएगा। इस तरीके से 5 की संख्या जो भी आ रही है मेरे पास वो आ रही है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 11 टाइम्स मेरे पास क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। अब इस सीरीज में यहाँ तक 87 तक तो 2 नहीं थे, लेकिन 256 मल्टीप्लिकेशन में इन्होंने दे दिया, 256 में 2 कितने होंगे, 256 ये 2 की पावर 8 होता है,
आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपको अगर इसका स्क्वायर याद है, ये स्क्वायर रूट निकालना आता है तो 16 आएगा, 16 का स्क्वायर है ना, फिर 16 किसका है, 4 का स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर 2 का स्क्वायर का, ये दोनों दोनों 4 कर दूँ इस तरीके से, तो यहाँ से आप 8 निकाल लेंगे। तो 2 की पावर कितनी आ रही है, यहाँ से 8 आ रही है। तो यहाँ से मेरे पास 2 कितनी, 2 2 कितनी बार आया, 2 मेरे पास 8 टाइम्स आया। ये ध्यान रखना है कि केवल 5 अगर इरेगुलर सीरीज हो तो वहाँ पर केवल 5 से काम नहीं चलेगा, 2 कितनी बार आया वो भी अपने को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 टाइम्स आया, मतलब मेरे जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, 8 होंगे। यहाँ से जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन इसका करना था, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मिटा दूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर बार, ताकि क्या कर रहे हैं वो ध्यान में रहे। इरेगुलर सीरीज जब भी हो तो 2 और 5 दोनों को फाइंड करने की कोशिश किया कीजिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आप देखेंगे कि 5, 10, 15 इस तरीके से सीरीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक रेगुलर सीरीज, रेगुलर सीरीज होती तो मैं डायरेक्ट 5 से डिवाइड करके यहाँ से 5 की संख्या निकाल लेता, लेकिन एक रेगुलर सीरीज नहीं है, इसलिए जहाँ जहाँ 5 आ सकते हैं वो मुझे पता है, 5, 10, 15 इस तरीके से, तो या 45 तक है, मतलब 9 टाइम्स तो आएगा। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 9 टाइम्स, 5 9 45, 5 का गुणज है 9 बार, तो 9 टाइम्स तो वो आएगा ही आएगा, लेकिन 9 टाइम्स के साथ साथ एक जगह और आएगा, 9 टाइम्स के अलावा भी और आएगा, एक बार 25 में आएगा, 25 में 2 बार आएगा, एक बार मैंने काउंट कर लिया, एक और बार मैं काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं पूरा ही आपको पूरा ही एक बार लिख ही देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरीके की सीरीज है, ध्यान रखना है आपको, है ना। तो इस तरीके से मैं 5 देखता हूँ, सबसे पहले 5 एक बार यहाँ आएगा, यहाँ पर 2 × 5 होगा, मतलब एक तो 5 आएगा, एक तो 5 आएगा, और 2 की संख्या अगर बात करूँ, 2 की संख्या की, ये अगर 5 की संख्या की बात, 2 की संख्या की अगर बात करूँ तो 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से आएगा, 1 5 यहाँ से आएगा, और यहाँ से 1 5 यहाँ से आएगा, 5 × 24 होते हैं, देखना 5 × 4, मतलब 2 यहाँ से 2 आएंगे, 2 यहाँ से 2 आएंगे, 5 की संख्या 2 यहाँ से आएगी, 5 × 5 होता है, और 6 × 5 होता है, 1 5 आएगा, बाकी 2 3 6 होते हैं, तो 2 यहाँ से एक बार आएगा, इसी का 5 एक बार 5 आएगा यहाँ से, और यहाँ से एक बार तो 5 आएगा, इसके अलावा 5 8 40 होते हैं, मतलब 8 में 2 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, यहाँ से 5 9 45, मतलब 5 एक बार आएगा। अब देखिए 2 के नंबर, 2 कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 3 1 4 4 2 3 7 टाइम्स आ रहे हैं, जबकि 5 कितनी बार आ रहा है, 2 4 4 2 6 6 और 4 6 और 4 10 बार आ रहा है, तो 7 टाइम्स मेरा कम वाला देखना है, 7 टाइम्स मतलब 2 7 टाइम्स आ रहा है, कम जो आ रहा है उतने मेरे पास 0 हो जाएंगे, मतलब 7 मेरे इसमें 0 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन मैंने करवाया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद है तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। आप करने की कोशिश करिए, ठीक है, अपन ट्राई करते हैं। मैंने ऐसा बताया था कि जब भी कोई रेगुलर सीरीज बनने की कंडीशन आपको अगर दिख रही हो तो वहाँ पर रेगुलर सीरीज बनाने की कोशिश किया कीजिए। आप देखेंगे 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, गुणा सब में 10 है, मतलब मैं पूरे में से अगर 10 कॉमन निकालना चाहूँ, जैसे कि इस प्रकार से यह सीरीज है, 10 कॉमन नहीं, पूरी तरह से मल्टीप्लीकेशन में 10 पूरी तरह से कॉमन निकालना, एक इधर देखें 10 × 1 × 10 × 2 ये है, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 कितनी बार आएगा, जब यहाँ से भी मैं 10 × 10 कर दूँगा, 10 × 100 कर दूंगा, तो 10 × 100 मतलब 100 टाइम्स आएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 10 की पावर 100। बाकी जो सीरीज बची है, वो क्या है, 1 × 2 × 3 × कहाँ तक, यहाँ से भी 10 मैंने बाहर निकाल लिया था, मतलब यहाँ पर 100 टाइम्स आ जाएगी। अगर आपको ये फाइंड हो गया है, इसके बाद बस इतना सा फाइंड करना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इस सीरीज में, यहाँ से 100 तो यहाँ आ ही गए, 1 से 100 तक में नंबर ऑफ जीरोस कितने, उसका तरीका ये होता है कि मैं 5 से डिवाइड करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, 5 से 5 × 10 इधर आ जाएगा 20, इधर से 5 = 24, ये 24 जीरो
यहाँ से मुझे मिलेंगे, यहाँ से 24 जीरो मुझे मिलेंगे। डायरेक्टली 5 निकाल सकता हूँ, दो तो ना जाने मेरे टाइम बहुत ज़्यादा बार आएंगे तो 5 निकालना होता है। यहाँ से 24 बार 0 आएंगे, 24 बार 0 ये और 100 बार 0 ये, मतलब टोटल 124 जीरो मेरे पास आएंगे। यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज निकालना, इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक रेगुलर सीरीज तो आपको दिख रही होगी, 32, 33, 34, 35 इस प्रकार से, लेकिन ये एक से स्टार्ट नहीं है। मतलब 1, 2, 3 अगर 4, 5 इस तरीके से होती तो मैं सीधा क्या करता, 5 से डिवाइड करके नंबर ऑफ जीरोज निकाल लेता, लेकिन ये एक 232 से 500 तक है, 232 से 500 तक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर मैं इसके आगे देखना, इधर देखना, 232 × 233 × जहाँ कहाँ तक है, ये 500 तक है। अगर मैं इसके आगे एक सीरीज लगा दूँ ये वाली, 1 × 2 × 3 × ये हो जाएगा 231 तक, इस तरीके की एक सीरीज लगा दूँ तो ये 1 से 500 तक हो जाएगी। अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं पहले ये फाइंड करके और इसको माइनस कर दूँ अगर, तो ये वाला आ जाएगा मेरे पास। अब देखना, मैं पूरे 1 से लेकर 500 तक जीरोस की संख्या यहाँ से निकाल लूँ मैं, उसके बाद इस एक से लेकर 231 तक के जीरोस को मैं हटा दूँ तो बचे कुछ जीरोस मेरे पास आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1 से लेकर 500 तक, सॉरी मिटाया मैंने, कोई बात नहीं, चलो मिटा ही देते। मैं ये कह रहा था यहाँ पर कि इस प्रकार की सीरीज है, 1 × 2 × 3 × इस तरीके से 500 तक है, जो कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में निकाल ली थी यहाँ से। यहाँ से देखिएगा, 500 तक के निकालने के लिए एक बार और निकाल लेता हूँ, आपका भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4, मतलब 124, कितने हो जाएंगे, 124 जीरोस मेरे पास 1 से लेकर 500 तक में हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक से अगर 231 तक अगर मैं निकाल लूँ, 231 तक निकाल लेता हूँ, 231 तक के लिए 5 से निकालना है, 5 से 5 × 20 5 × 30 46, फिर 46 से फिर 5 से निकाला, यहाँ से हो जाएगा 5 × 9 45, फिर 9 से 5 5 × 5। इसके बाद यहाँ से ये एक बार जीरो, मतलब कि इससे कम आ गया, मतलब यहाँ तक ही आएगा मेरे, तो नंबर ऑफ 10 10 और 56, ये है 56 जीरोस। 56 जीरोस कहाँ से कहाँ तक क्या गए, 1 से लेकर 231 तक। अगर मैं इस पूरी सीरीज़ में 1 से लेकर 231 तक के जीरोस को हटा दूँ तो बाकी बचे कुछ पूरी सीरीज़ के जीरोस आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं 56 जीरोस माइनस कर दूँगा, 14 − 6 8 और 11 − 5 6 68 जीरोस मेरे पास इस तरीके से फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 5 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 68। यहाँ पर कितना हो गया था, 124 है ना, 124 ही आया था शायद, 124 और 7 में 10, हाँ 124 आया था। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में नहीं करवाया था, इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार ये देखिए कि ये अगर 20 अगर इसकी पावर नहीं होती, 1 की पावर अगर 20 नहीं होती तो ये एक रेगुलर सीरीज थी, 1 से लेकर 38 तक एक रेगुलर सीरीज थी। ये तो आपको पता लग रही होगी यहाँ से, 1 से लेकर 38 तक एक रेगुलर सीरीज थी। अब मैं इसमें 5 निकालना चाहूँ तो 5 कैसे निकालूँगा, यहाँ से 5 से डिवाइड करके कितने बार 5 आ रहा है, क्योंकि 2 तो ज़्यादा बार आएगा, स्वाभाविक सी बात है ना, 2 यहाँ आएगा फिर 4 में आ जाएगा, 5 केवल कम आएगा, 5 कम बार आता है इसलिए 5 को हम निकालते हैं। तो 5 से यहाँ से हो जाएगा 7 7 = 5 2, ये आ जाएगा 9 times, कितनी बार आ रहा है, ठीक है, अरे सॉरी 5 × 5 5 × 5 ये आ जाएगा 8 times, कितने बार आ रहा है, 8 times मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब एक बताइए कि इस प्रकार से होगा कि 5 की पावर भी 20 होगा यहाँ पर, इस पूरी सीरीज में 5 की पावर भी 20 होगा और 10 की पावर भी 20 होगा। इस प्रकार से हर जगह पावर में 5 की पावर में 20 आएगा, हर जगह पावर में 20 आएगा, 8 बार
आठ इंटू में 20 कर दूं, क्योंकि हर जगह घाते क्या होगी, प्लस होगी, और 8 बार मुझे 20 को प्लस करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 160। अगर ये आपको समझ में आया तो इस तरीके से देखिए आप कि 5 की पावर 20, यहाँ से 10 की पावर 20, 15 की पावर 20, 20 की पावर 20 और 25 की पावर 20 और इसी प्रकार से 30 की पावर भी 20 और 35 की पावर भी 20। अब यहाँ से देखिए 5 एक बार आया तो 5 की पावर 20 मतलब इस तरीके से 5 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, 20 टाइम्स आएगा। यहाँ से 5 20 टाइम्स आएगा, 5 एक बार ही आ रहा है इसलिए 5 की पावर एक बार, 5 की पावर यहाँ से भी 20 टाइम्स आएगा, 5 की पावर यहाँ से भी एक बार 20 आएगा मतलब 20 टाइम्स आएगा। अब यहाँ पर 5 दो बार है मतलब 5 की पावर 20 और 5 की पावर 20 इस तरीके से होगा। मतलब यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा, 40 बार आएगा, यहाँ से 5 20 बार आएगा और यहाँ से 5 20 बार आएगा। आप इनको प्लस करके देखिए क्या 160 आ रहा है, 20 चौक 80, 80 और 40 120, 120 और 40 160। अब यहाँ से देखेंगे तो भी 5 इतनी बार आएगा, मतलब मेरे जो जीरोज आएंगे, जीरो की संख्या आएगी, क्या मैं इससे केवल इससे निकाल सकता हूँ, वो भी नहीं। क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि दो को भी मुझे भी देखना है कि दो के ऊपर भी 20 है, इस प्रकार 4 के ऊपर 20 है, तो दो को भी मैं अगर देखूँ, अगर नहीं भी देखूँगा तो ये तो मुझे पता है कि 5 ही कम बार आएगा, क्योंकि 2 के पावर 20 यहाँ से ही 2 के पावर 20 हो गया, 4 के पावर 20 मतलब 2 की पावर 20, 20 दूनी 40 और 20 यहाँ 60 ही हो गया एक ही बार में, जबकि मुझे 38 तक जाना है, तो वहाँ तक कहीं ना कहीं दो जो है ज़्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। मतलब कि 5 160 बार आ रहा तो हमारे पास जीरो जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, 160। यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया नहीं, जीरो की संख्या हो जाएगी 160। इस तरीके से हमें जीरो फाइंड करना होता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन भी बचा है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद अभी तक आपने अगर इस चैनल को लाइक और मतलब इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक हमने पीछे की क्लासेस सभी नहीं देखी, मैंने रीजनिंग की भी क्लास पढ़ाई है और रीजनिंग में मैंने डाइस, अल्फ़ाबेट और एक नंबर मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, तो उनको ज़रूर जाकर देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।